उदाहरण 5, 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 में से घटाओ। हमें 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 में से घटाना है। इसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पे 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 को एक कोष्टक में लिखेंगे और इसे हमें घटाना है, तो घटाने के लिए ऋण चिन्ह और फिर 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3 को हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। चूंकि हमें 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3 को 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 में से घटाना है, इसीलिए सबसे पहले हम 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 को पहले कोष्टक में लिखेंगे। चूंकि हमें इसे घटाना है तो ऋण घटाने के लिए लगाएंगे और फिर दूसरे कोष्टक में 3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 3 लिखेंगे। अब कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो बराबर 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 कोष्टक खुलेगा तो ये धनात्मक जो है यहाँ पे 3 वर्गमूल 2 ऋण गुणित धन ऋण 3 वर्गमूल 2 और फिर ऋण 1 को फिर ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 1 गुणित ऋण 2 बराबर धन 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ पे 3 वर्गमूल 3 और धन 2 वर्गमूल 3 का योग हो सकता है, इसके लिए हम 3 वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3 को एक साथ लिखेंगे। फिर दूसरा पद 2 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 2 बराबर, यहाँ पे हम पहला पद 3 वर्गमूल 3 धन दूसरा पद 2 वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 जो है इसको हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ होगा तो 3 धन 2 वर्गमूल 3, ये उभयनिष्ठ निकला। ऋण 2 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 2, अब 3 और 2 का योग 5 होता है तो 5 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 3 इधर वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 इसमें कोई भी योग होना संभव नहीं है, तब हमारा उत्तर आया 5 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 ऋण 3 वर्गमूल 2। इस तरह से यह इस उदाहरण का हल होगा।